टाइम एंड वर्क के 9वें सीरीज में हम आपको पुरुष महिला और बच्चे से रिलेटेड प्रश्नों को बताएंगे जो बैंकिंग रेलवे और एसएससी में पूछे जाते हैं। इसमें कई छात्रों को और अथवा का सस्पेंस बना रहता है, लेकिन उस सस्पेंस को आज के इस वीडियो में हम दूर करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है आप हमारे वीडियो को एक से दो बार देखने के बाद प्रतियोगी परीक्षा में एक भी प्रश्न इस टाइप के छोड़कर नहीं आएंगे। तो आइए हम आपको सबसे पहले समझाते हैं और अथवा कैसे हम जानेंगे और किसे कहेंगे। मान ले जाए 5 पेन या 8 पेंसिल, इसका मतलब क्या हुआ? इस चीज को हम समझ लेंगे फिर हमें भारी नहीं लगेगा। इसका मतलब हुआ, हमें बोला जाए 5 पेन या 8 पेंसिल, इसका मतलब हमें कोई एक चीज चूज करना है। पेन चूज करेंगे 5 पेन लेंगे, पेंसिल चूज करेंगे तो पेंसिल चूज करेंगे। इसी में रहेगा अथवा या और अथवा, दोनों सेम चीज है। इसका मतलब हुआ आप ये चुनिए या ये चुनिए। और दूसरी बात जो हमें मिलेगा, मान जाए एक अमरूद और एक केला, इसका मतलब है कि हमें अमरूद भी मिलेगा और क्या मिलेगा, केला भी मिलेगा। तो इसी में हम देखेंगे कि 5 पुरुष या 3 महिला, इसका मतलब हो गया कि 5 पुरुष को हम चूज करेंगे या 3 महिला, दोनों सेम चीज है। क्या 5 पुरुष को रख सकते हैं या 3 महिला को रख सकते हैं। इसी में यदि अथवा दे देगा ये भी सेम चीज हो गया, और यदि इसी में और जुट जाएगा और का मतलब दोनों को लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है। इस चीज को यदि आप समझ लिए तो इस पॉइंट में एक चीज और समझना है, वो है मान जाए 5 औरत किसी काम को 8 दिन में करती है। 5 औरत किसी काम को कितना दिन में, 8 दिन में। तो हम बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, एक औरत का बात होगा तो क्या करेंगे, केवल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक औरत का निकल जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो इतना सारा चीज ही यदि आप समझ गए हैं तो इस टाइप के प्रश्न आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, न ही हम कोई ट्रिक बताएंगे, न ही कोई सूत्र आपको याद रखने बोलेंगे। तो आइए हम लिए चलते हैं इस टाइप के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 25 आदमी 15 लड़के इस काम को कितने दिनों में करेंगे, सेकेंडों में बनेगा। आइए हम इसको बताते हैं कैसे आप सेकेंडों में बनाएंगे। सवाल था 10 आदमी या अथवा 18 लड़के, क्या बोला 18 लड़के 15 दिन में करता है, कितना दिन में, 15 दिन में। तो हमें सवाल बताया गया कि आप निकालिए क्या 25 आदमी और 15 लड़का आपको दिया है, क्या क्या 25 आदमी और 15 लड़का दिया गया है, तो बोला काम कितना दिन में होगा। एकदम सिंपल तरीका से बताएंगे, ये अथवा था इसका मतलब बराबर था, इसको यदि हम हल्का करते हैं तो यदि 2 से भाग देंगे तो मेरे पास क्या बच गया, 5 आदमी 5 मैन बराबर कितना बॉय, 9 बॉय। इस चीज को हम लिख सकते हैं। अब सिंपल है, जब यहाँ 25 आदमी है, जब यहाँ 5 आदमी के बराबर 9 कर सकते हैं, इसका मतलब इधर भी 5 से गुना, इधर भी 5 से गुना, हम 25 आदमी के बराबर कितना लिख सकते हैं, 9×5 45 बॉय लिख सकते हैं, और 15 बॉय यहाँ आज मेरे पास कितना बॉय आ गया, 45 और 15 60 बॉय। अब सिंपल वे से हम बताते हैं, यहाँ देखिए जब 18 लड़का कर रहा था 15 दिन में, इसका मतलब एक लड़का कितना, 18 गुना 15 मेरे पास लड़का कितना है 60, सॉल्व कर दीजिए 15 जी के 60, 2 दुनी 4, 9 दुनी 18 कितना, 9 बटे 2 मतलब कितना, 4 पूर्णांक 1 बटे 2। कितना सेकंड लगा बना सेकंडों में, क्या क्या किए एक बार फिर से हम दिखाते हैं। बोला था 10 आदमी के बराबर 18 लड़का काम करता है 15 दिन में, इसका मतलब हम निकाले 5 आदमी बराबर कितना, 9 बॉय। कैसे, दोनों साइड जो है 2 कटने वाला था 2 कटा दिए, मेरे पास सवाल था 25 आदमी और 15 लड़का आपको दिया गया है, हम लिख सकते हैं 25 आदमी के बराबर इसको कन्वर्ट कर दिए लड़का में। कैसे, जब हम जान रहे थे 5 आदमी बराबर 9 लड़का निकाले थे, तो 25 के बराबर कैसे, अगर इधर भी 5 से गुना इधर भी, हम लिख सकते हैं 25 आदमी को हम कितना, 9×5 45 लड़का लिख सकते हैं, लिख दिए 45 और 15 मेरे पास कितना लड़का
60 लड़का, हम देखते हैं लड़का की कैपेसिटी क्या है। तो 18 लड़का 15 दिन में, तो एक लड़का हम शुरू में ही बताए थे, एक लड़का निकालने के लिए 18 गुना 15 इसका बार बार इस्तेमाल होगा और मेरा आंसर हो गया। तो हम इसको दूसरे टाइप से कैसे बनाएंगे, उस चीज को भी आप बना सकते हैं। आप इसी प्रश्न को दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, कैसे, आइए हम उसको दिखाते हैं कैसे दूसरे तरीका से बनाएंगे। बोला आपको करना कुछ नहीं है, बोला 10 आदमी एकदम अपना जो स्पेशल मेथड है उस तरीका से हर सवाल बने। 10 आदमी 15 दिन में करता तो 18 लड़का कितना दिन में, 15 लड़का, तो आदमी का मेन का लेके चलते हैं। बोला 10 को जो है 15 दिन में, इसका मतलब मेन का 150 हो गया, ये 18 लड़का था 15 दिन में, एक लड़का कितना दिन में, बुआई जो है 270। अब इन दोनों का यदि हम लघुत्तम लेते हैं, मेरा लघुत्तम कितना हुआ 1350, ये 9 हो गया और ये कितना बार में, 5 बार में। अब सबसे सस्ता है, बोला कि आपके पास 25 आदमी है, ये आदमी बोला था इसको 25 को दे दिए, लड़का 15 को था 15 कर दिए, टोटल काम हमको कितना कराना है 1350 यूनिट। मेरे पास यही दोनों मटेरियल था, 25 गुना 9 हो गया 225 और 1575, इस दोनों को जोड़ देंगे, क्यों, इसीलिए हम बोला था 25 आदमी है और 15 लड़का, 225 और कितना 300 जो कटने वाला है कटाएंगे, 10 से ये कट गया, 10 से 30 45 कितना 4.5 दिन। तो दोनों तरीका में आपको जो सबसे अच्छा लगे उस तरीका से आप बना सकते हैं। तीन पुरुष जो काम करता है वो 7 औरत दोनों क्या करता है, बराबर करता है, कितना दिन में, 32 दिन में। और बोला 6 पुरुष 2 औरत कितना दिन में करेगा, एकदम वो सस्ता करेंगे, क्या जो सबसे सस्ता में चेंज हो, ये पुरुष वाला चेंज हो रहा था पुरुष वाला को औरत में चेंज कर दे, 3 पुरुष के बराबर 7 औरत कर रहा था तो 6 पुरुष के बराबर कैसे, इसको भी 2 से गुना इसको भी 2 से गुना, इसका मतलब हम कह सकते हैं 3 दुनी 6 पुरुष के बराबर कितना लिख सकते हैं, 7 दुनी 14 औरत, और यहाँ 2 औरत और जुटा हुआ, टोटल मेरे पास कितना औरत हो गया 16 औरत। और औरत का हम देखते हैं क्या कंडीशन था, बोला था 7 औरत करता है 32 दिन में, एक औरत कितना 32 गुना 7 ना, और बोला था मेरे पास 16 औरत है तो 16 औरत कर दिए, तो 7 दुनी 14 कितना टाइम लगा, बना सेकंडों में। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल भी काफी आसान है, क्वेश्चन है 7 पुरुष जितना काम करता है वो 10 महिला उसके बराबर करता है कितना दिन में, 24 दिन में। तो क्वेश्चन था 14 पुरुष और 4 महिला कितना दिन में करेगा, हम क्या करेंगे, पुरुष को कन्वर्ट कर देंगे या महिला, जो हमको आसान लगेगा उसको कन्वर्ट हम करने सोचेंगे, ये नहीं कि हम महिला में कन्वर्ट कर दे हमको लेंदी हो जाए, नहीं, तो ऐसा हम काम नहीं करेंगे। 7 पुरुष था यहाँ मेरे पास, 14 पुरुष था, तो 14 कैसे होगा, जब इधर 2 से गुना, तो 14 पुरुष के बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 10 दुनी 20 महिला, तो यहाँ 14 पुरुष के बदले हम 20 महिला लिख दिया और 4 महिला मेरे पास, तो टोटल महिला मेरे पास कितना 24 महिला, और हम महिला का स्टाइल देख रहे हैं क्या, 10 महिला कितना दिन में 24 दिन में, तो एक महिला कितना 24 गुना 10 मेरे पास कितना महिला है टोटल 24, तो 24 से भाग दे दिए मेरा आंसर कितना 10 दिन। आप इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, हमने पहले सवाल में ही बताया था। चौथा सवाल हमारा है 3 पुरुष या 4 महिला, ये जो कमाता है 480 रुपया कमाता है, कितना 480 रुपया कमाता है। तो क्वेश्चन था 5 पुरुष और 7 महिला, इसका मतलब क्या हुआ, 3 पुरुष यदि कमाता है 480 रुपया और 4 महिला यदि कमाती है कितना 480 रुपया। अब सवाल था कि 5 पुरुष और 7 महिला को कितना पैसा मिलेगा, इसका आमदनी निकालना है, एकदम आसान है, कैसे, हम पुरुष का भी निकाल लेते हैं और महिला का भी निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, तो 3 पुरुष को हम देख रहे हैं 480 रुपया कमा रहा है, इसका एक पुरुष कितना 480/3 कितना 160 रुपया, 4 महिला कमा रही है, 4 महिला यदि काम करेगी कितना मिलेगा 480, तो एक महिला का कितना मिलेगा 480/4 इसका मतलब कितना 120। तो इस कंडीशन से हमने निकाला पुरुष को कितना मिलता है और महिला को पैसा कितना मिलता है। अब तो फिर रहा आसान हमारा आगे, 5 गुना 5 को पुरुष, एक पुरुष तो 160, तो 5 को पुरुष को 5 गुना 160, एक महिला को 120, तो 7 महिला को 7 गुना 120 कितना हो गया 16×80/84, 8×8=1640। है आसान, सेकंडों में बनेगा सवाल। पांचवा सवाल काफी आसान है और सबसे सरल तरीका से आप बना सकते हैं। बोला 6 महिला किसी काम को 10 दिनों में करती है, इसका मतलब महिला का यदि बात होगा
तो एक महिला कितना दिन में, 60 दिन में। अब बोला 10 बच्चा यदि काम करता है तो 15 दिन में बॉय को या बच्चा के बदले क्या लिख दिए, चाइल्ड। बोला क्या, बोला 10 बच्चा यदि काम करता है तो 15 दिन में एक बच्चा का हम निकाल लिए, कितना, 10 × 15 = 150। अब सवाल मेरे पास था कि 6 महिला दिया हुआ है, 6 महिला, एम से महिला कर दी है, लेडीज भी कर सकते हैं, और बोला कि इसके साथ क्या को बच्चा काम करेगा, 10 को बच्चा कितना दिन में करेगा, इसको निकालना है। तो सबसे आसान तरीका से हम बताए थे कुछ नहीं करना है, दोनों का क्या एलसीएम 60 और 150 का कितना खिलाएंगे, मान लिया 10 से खिलाए, 10 से 60, 15, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 100, 300, कितना 300, तो 300 हम कर देते हैं, 300 लिख दिए। अब मेरे पास क्या था, 54 + 30 = 15, 30 हो गया। अब बोला था मेरे पास 6 गो महिला है, इसको 6 से गुना महिला, बोला 10 गो बच्चा है तो 10 गो बच्चा कर दिए, तो 54 + 30 + 10 = 20, टोटल काम हमको कितना कराना है, 300 यूनिट। मेरे पास मटेरियल आदमी कितना दिया, 30 और 20 कितना, 50, क्या दिन, 6 दिन। हाय सस्ता, क्या क्या काम किए, बोला महिला 6 महिला जो है 10 दिन में करता है, तो महिला 6 × 10 = 60, एक महिला का हम निकालते हैं, एक चाइल्ड का निकाले, 10 बच्चा 15 दिन में 150 एलसीएम ले लिया। जो जो था मेरे पास बोला था, जो जो मटेरियल दिया, बोला 6 महिला दे रहे हैं और 10 बच्चा आपको दे रहे हैं काम करवाने, 6 महिला कर दिए, एक महिला का कैपेसिटी निकाले थे 6 को, और ये 10 बच्चा दिया था 10 को, टोटल कितना, ये जो दिया था इसका कैपेसिटी था 50, टोटल काम हमको 300 कराना था, हम भाग दे दिए और मेरा आंसर हो गया। एक भी सवाल आप नहीं कहेंगे, भारी है। बस आपको यदि पसंद आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके सुविधा के लिए और सबसे हल्का और सबसे सरल तरीके से हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें, जिनसे आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सके। हम चलते हैं छठे सवाल की ओर। छठा सवाल है, 5 महिला एक काम को 36 दिन में करती है, बहुत अच्छी बात है, 5 महिला एक काम को कितना दिन में, 36 दिन में करती है, और कंडीशन बोला यदि एक आदमी महिला के कार्य करने की क्षमता 3:1 हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर दिया, इसका मतलब एक पुरुष जो काम करता है 3 गुना क्षमता, 3 गुना का मतलब क्या हुआ, एक पुरुष जितना काम करेगा 3 महिला, इसका मतलब 3 महिला के बराबर करेगा, यही हुआ 3 गुना क्षमता, 3:1 जो दिया हुआ था, इसका मतलब एक पुरुष एक दिन में जितना काम करेगा महिला को कितना दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा। इस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, उस चीज को हम देखते हैं। सवाल था मेरे पास 6 नंबर, तो उसी काम को 5 आदमी आपको दिया हुआ है, कितना आदमी, 5 आदमी बोला कितना दिन में करेगा, हम ऐसा करते हैं 5 महिला था 36 दिन में, अच्छा एक महिला को कराते तो कितना काम कराता, 36 × 5, यही कराता। आगे हम करते हैं, जब एक महिला मेरा 36 × 5 दिन में किया, तो अब बोला था कि पुरुष का बात, पुरुष का कैपेसिटी बोला इतना तो महिला कर रहा है, बोला कि 3 महिला के बराबर एक पुरुष ही काम करता है, इसका मतलब 3 से हम इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, क्यों, कि जितना दिन पुरुष का, जितना दिन महिला का लगेगा उससे 3 गुना कम समय लगेगा, तो मेरे पास कितना, 60 दिन। कब, जब एक पुरुष को हम काम करवाएंगे तो मेरा कितना दिन में करेगा, 60 दिन में, लेकिन बोला ऐसा नहीं है, आपको हम 5 पुरुष देंगे, जब एक पुरुष 60 दिन में, तो 5 पुरुष कितना दिन में, 12 दिन में। हर सस्ता चीज, क्या क्या काम किए, बोला था 5 महिला 36 दिन में, एक महिला कितना, 36 × 5, लेकिन कंडीशन बोला था कि एक पुरुष जितना काम करता है ना महिला से 3 गुना है, मतलब क्षमता उसका 3:1 है, इसका मतलब 3 महिला जितना 3 दिन में काम करेगी वो एक दिन में एक पुरुष कर देगी, तो एक महिला को इतना दिन लगता है तो पुरुष को कितना लगेगा, उससे 3 गुना कम में समय लगेगा ना, तो 3 से भाग दे दिए, मेरा निकल गया एक पुरुष कितना दिन, 60 दिन, तो मेरे पास दिया था 5 पुरुष, यदि एक पुरुष रहता तो यही आंसर रहता, 10 पुरुष रहता जिसे 10 से भाग देते, 5 पुरुष दिया था तो 10 5 से भाग दे दिया और मेरा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, 7वां सवाल, क्वेश्चन है 5 पुरुष या 2 लड़के, क्या बोला, 7वां सवाल, 5 पुरुष या मतलब बराबर 2 लड़के, 5 पुरुष तथा 2 लड़के, तथा और एक चीज दोनों को ध्यान में रखना, तथा और ये दोनों कंबाइंड हुआ एक चीज, और या
और अथवा, ये दोनों एक चीज, और इस चीज को समझना काफी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब पांच पुरुष भी है और दो लड़का है। बोला कि उसका चार गुना कार्य करता है जितना एक पुरुष और एक लड़का। अच्छी बात है। बोला एक पुरुष और एक लड़का जितना काम करता है, इसको यदि चार गुना हम कर देते हैं तो दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ हो गया कितना, पांच पुरुष प्लस दो लड़का, इधर हो गया मेरा चार पुरुष और क्या लड़का, चार लड़का। पुरुष वाले को एक साइड भेजते हैं, इधर मेरा क्या पुरुष, पांच पुरुष में चार पुरुष घट गया, क्या पुरुष, एक पुरुष, और इधर चार लड़का था, दो लड़का को उधर भेज दिए, क्या लड़का, दो लड़का। तो बोला था क्वेश्चन के पुरुष और लड़का का अनुपात निकाले, इसको इधर भेज दिए तो मेरे पास क्या बच गया, दो बटा एक, इसका मतलब दो अनुपात एक है मेरा किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। हाय हल्का चीज। नेक्स्ट सवाल, आठवां सवाल, सवाल काफी आसान है, आप भी बना सकते हैं। सवाल बोला 12 आदमी अथवा 18 औरत, क्या बोला, 12 आदमी अथवा को हम बराबर लिख सकते हैं कितना औरत, 18 औरत। बोला क्वेश्चन ये 14 दिन में काम करता है, कितना दिन में, 14 दिन में। तो क्वेश्चन बोला आपके पास 8 आदमी दे रहे हैं और 16 औरत दे रहे हैं, तो बताइए कितना दिन में करेगा। एकदम सस्ता तरीका हम बना सकते हैं, इसको हम हल्का करते हैं, क्यों कि दो आदमी 12 आदमी बराबर 18 आदमी, यदि दोनों साइड 6 से गुना हो रहा है तो ये हमको मिल गया, 6 से भाग दे, दो आदमी बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 3 ओमेन 3 औरत लिख सकते हैं। ये जब हमको मटेरियल मिल गया तो ये दोनों हम एक चीज को कन्वर्ट करेंगे, जो हल्का, ये नहीं आदमी को हम क्यों किए महिला को, जो कन्वर्ट आपको सस्ता में हो रहा है उसको कन्वर्ट कीजिए। यहाँ देख रहे हैं आदमी कन्वर्ट सस्ता में हो रहा है, क्यों, यहाँ 2 दिया हुआ, यदि इसको 4 से गुना कर दे तो 8 आदमी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 12 औरत लिख सकते हैं। यहाँ 12 ओमेन प्लस 16 ओमेन, कितना ओमेन, 28 ओमेन निकल गया, टोटल आदमी को हम औरत में बदल दिए। अब तो आसान था, क्यों, इसीलिए 18 औरत काम कर रहा था कितना दिन में, 14 दिन में, तो एक औरत को हम काम कराते कितना, 14 गुना 18, और मेरे पास टोटल औरत कितना, 28, जो कट रहा उसको कटा दिए, कितना दिन, 9 दिन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसको हम लघुत्तम मेथड से भी बना सकते थे, कैसे, तो 12 गुना 14 करते, यहाँ मेन का लिखते, 18 गुना 14 करते ओमेन का लिखते, उसके बाद एलसीएम लेते, फिर मेन को मेन के साथ 8 मल्टीप्लाई करते और औरत को 16 से करते, जितना यूनिट टोटल काम कराना था उससे भाग देते और मेरा आंसर हो जाता। तो आप दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। 11वां सवाल काफी इंपोर्टेंट सवाल है, देखते हैं। सवाल था हमारा, 8 बच्चा तथा 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में करता है, और कंडीशन बोला एक बच्चा आदमी की तुलना में दोगुना समय लेता है। दोगुना समय का मतलब क्या हुआ कि एक आदमी जितना काम करेगा उसके बदले क्या करेगा, दो बच्चा काम करेगा। दोगुना समय का मतलब यही हुआ कि 2 दिन में कोई काम बच्चा जितना करेगा आदमी एक दिन में ही पूरा करेगा। तो हम लिख सकते हैं एक आदमी के बराबर कितना बच्चा, 2 बच्चा। और कंडीशन बोला कि मेरे पास बोला 12 आदमी को यदि हम लगाते हैं तो क्वेश्चन बोला बताइए कि कितना दिन में करेगा। अच्छा हम ऐसा करते हैं, जो आदमी हमको पूछा था सबको आदमी में कन्वर्ट कर देते हैं, बच्चा को भी ठीक है हम कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। तो 8 बच्चा था और क्या था, 12 आदमी था, तथा का मतलब क्या हो गया, एड जोड़ है। तो 8 बच्चा एक बच्चा के बराबर, क्या बताया था, एक आदमी के बराबर 2 बच्चा, इसका मतलब 2 बच्चा के बराबर एक आदमी है। तो 8 बच्चा को हम कितना आदमी लिख सकते हैं, 4 आदमी लिख सकते हैं। जब ये लिख दिए तब तो फिर मेरा राह आसान हो गया, इसका मतलब 16 मैन यहाँ निकाले, 12 4 16 कितना, 9 दिन में। तो एक आदमी कितना काम करेगा, 16 गुना 9, और मेरे पास 12 आदमी दिया हुआ था, जो कटेगा कटाएंगे, 4 तक 16, 4 12, 3 9 कितना दिन, 12 दिन। हो गया आसान, कितना सस्ता था। नेक्स्ट सवाल, 12वां सवाल, क्या क्या है उसको हम देखते हैं। बोला 3 पुरुष बराबर जो काम करता है वो 5 औरत करता है, और उसके बराबर कौन करता है, 8 बच्चा करता है, कितना दिन में, 38 दिन में। इसका मतलब क्या हुआ, बोला यदि 3 पुरुष को डेली हम कंटिन्यू काम करवाते हैं तो 38 दिन में खत्म कर देता है, औरत को कराते हैं 5 औरत को डेली 38 दिन में करता है, और बच्चा यदि 8 बच्चा को हम डेली काम कराते हैं कितना दिन में, 38 दिन में करता है। तो कंडीशन बोला कि आप ऐसा कीजिए कि 6 पुरुष आपको देंगे, 10 महिला देंगे और 6 बच्चा देंगे। इसको निकालना है कि आप निकालिए कितना टाइम में आप
काम करवाइएगा। तो हम सबसे सस्ता तरीका से हम बताए थे, ऐसा करते हैं हम पुरुष महिला और बच्चा सबका निकाल लेते हैं। मेरा जो स्पेशल मेथड है, पुरुष का यदि एक पुरुष काम करता है कितना दिन लेता, तीन पुरुष 38 दिन में, एक पुरुष कितना 38 गुना 3, महिला का कितना 38 गुना 5, और चाइल्ड कितना लेता 38 गुना 8, क्यों 8 बच्चा 38 दिन में। इस सबका यदि हम एलसीएम लेंगे तो मेरा क्या हो गया 38 गुना 3 गुना 5 गुना 8 एलसीएम हम लेंगे, नहीं भी लेंगे तो हम लिख दिए। अब क्या करते हैं, इसको इससे भाग देते हैं, ये वाला तो कट गया 8 5 40, इससे यदि भाग देंगे 5 वाला कट जाएगा 38 गुना 5, ये बच जाएगा। अब इससे यदि 8 से भाग देंगे तो ये दोनों कट गया, 3 बचे 15। अब हम क्या करते हैं, अब बोला था मेरे पास 6 बच्चा है, इसको 6 बच्चा 6 पुरुष है 6 पुरुष कर दिए, बोला 10 महिला है 10 महिला कर दिए, और मेरे पास 6 क्या है बच्चा है। अब हमको टोटल काम कराना था 38 गुना 3 गुना 5 गुना 8 बटे टोटल मेरे पास मेटेरियल कितना हुआ 6 गुना 40 240, 10 गुना 240, 15 90, क्या हो गया 4 4 8 9 17, 570। यदि हम गुना भाग में गलती करेंगे तो मेरा आसान गलती होगा, कितना आसान है कटाते हैं जो कट रहा है 19 दुने 38 19 3 57, 5 3 15 15 2 30, यहाँ भी 30, सब साफ हो गया, क्या बच गया 8 दिन। हर भारी चीज क्या क्या काम किए, सबको हम एक जाति में कन्वर्ट कर दिया, और मेरा स्पेशल जो मेथड ये लघुत्तम वाला है उसका उपयोग किए। 3 पुरुष था 38 दिन में, 1 पुरुष कितना 38 गुना 3, 5 औरत 38 दिन में 38 गुना 5, बच्चा का निकाले 38 गुना 8, एलसीएम ले लिए। यहाँ ये सब कैसे लिखे इसको नहीं समझिएगा, एकदम आसान है। क्या किया हम, इसको गुना करते फिर इससे भाग देते, इसीलिए क्या किए सब में 38 38 लिख दिए, ये सब कोई मटेरियल नहीं मिलता है, लघुत्तम में सब लिखा है। अब इसको क्या करते हैं, इससे भाग देते हैं, भाग दिए तो ये दोनों कट ही गया, ये बच गया, इससे भाग देंगे 38 गुना 5 कट गया, ये बच गया, लिख दिए 24। क्या क्या लिखे, ये नहीं 24 गुना 10, यहाँ हम डायरेक्ट किया इसको, ये भाग फल, ये भाग फल, ये भाग फल निकला, और ये जो मेरे पास मटेरियल था इसीलिए इसको गुना किए, ये नहीं कि यहाँ गड़बड़ आप कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं 13वें सवाल की ओर। हर तरह के प्रश्नों को उम्मीद से बनाए रखें, हम बताएंगे, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। सवाल है हमारा, 2 आदमी और 3 लड़का, 3 चाइल्ड कर दिए, बोला ये जो काम करता है ये 10 दिन में करता है, कितना दिन में 10 दिन में काम करता है, और बोला 3 आदमी और 2 चाइल्ड जो काम करता है इसको जो लगा है तो ये बोला 8 दिन में करता है, कितना दिन में 8 दिन में करता है। तो क्वेश्चन बोला आपके पास 2 को मैन दिए और 1 को चाइल्ड दिए, तो बताइए कितना समय में काम आप करवाइएगा। एकदम हल्का है, ये नहीं कि आप भारी मेथड बताए, कुछ नहीं, आराम से जब 2 आदमी को लगाया और 3 बच्चा को लगाया तो 10 दिन में करता है। अच्छा ऐसा करता है, इसको यदि 10 से हम गुना कर देते तो टोटल काम फिनिश हो जाता है 10 दिन, हम सोचते एक एक दिन में तुम काम खत्म कर दो, तो 1 दिन के लिए क्या करना पड़ता, हम 20 को आदमी को लगाते नहीं तो 30 को बच्चा को लगाते, काम मेरा फिनिश फिनिश। दूसरा तरीका बोला 3 आदमी को लगाते हैं और 2 बच्चा को, तो 8 दिन में, इसको भी बोले तुम 8 दिन में काम नहीं करो, 1 दिन में काम फिनिश करो, तो कब 1 दिन में फिनिश होगा, इस क्राइटेरिया से 8 से 24 मैन को लगाएंगे और 8 दुनी 16 को बच्चा को लगाएंगे, काम खत्म। अब हमको ये दोनों जो मटेरियल मिला, ये दोनों है क्या, ये दोनों हमारे पास जो मिला काम फिनिश वाला, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 20 मैन प्लस 30 चाइल्ड बराबर 24 मैन प्लस 16 चाइल्ड कर सकते हैं। अब हमें क्या क्या मिला उस चीज को देखते हैं, मैन को उधर भेजते हैं मेरे पास क्या बचा 4 मैन, और चाइल्ड को इधर यदि भेज दिए क्या 16 चाइल्ड। इसको हम हल्का लिख सकते हैं कि 2 से भाग दिए 2 मैन बराबर 7 चाइल्ड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्या क्या किए, जो 10 दिन में काम हो रहा था उसको हम बोले तुम 1 दिन में फिनिश करो जितना लगा, इसको भी बोले तुम 1 दिन में फिनिश करो, दोनों जब काम फिनिश का हो रहा था हमको ये क्या मिला मटेरियल मिला। अब तो फिर आसान हो गया, कैसे, हम सबसे आसान तरीका से बताए थे 2 मैन को हम कितना लिख सकते हैं 7 चाइल्ड लिख सकते हैं। अब यहाँ हम चलते हैं इसकी ओर, बोला 2 मैन को हम कितना चाइल्ड लिख सकते हैं 7 चाइल्ड लिख सकते हैं, प्लस 3 चाइल्ड और था मेरे पास कितना दिन 10 दिन, इसका मतलब 7 3 10 चाइल्ड को रखते हैं 10 दिन करता है, 1 चाइल्ड मेरा कितना दिन
100 दिन में काम करेगा, लेकिन मेरे पास एक एक बच्चा नहीं दिया था, मेरे पास बोला था दो आदमी है और एक क्या है बच्चा है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। जब एक चाइल्ड का निकाले थे तो हम आदमी को भी कन्वर्ट करेंगे किस में, चाइल्ड में। यहाँ हम लिख सकते हैं दो मैन के बदले कितना, 7 चाइल्ड और एक चाइल्ड, हमको क्वेश्चन में कितना बच्चा दिया हुआ है, 8 चाइल्ड। जब एक बच्चा का निकाले थे 100 दिन में तो 8 बच्चा कितना दिन में, 100/8, इसको कटाएंगे 4 × 8 2500 × 100 कितना दिन, 12.5 दिन। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा तो परेशान होने की बात नहीं है, हम आपको दूसरे तरीका से भी सिखाते हैं कैसे आप इस प्रश्न को बनाएंगे। 13, कैसे हम बनाएंगे दूसरे तरीका से उसको हम सिखाते हैं। क्वेश्चन बोला दो आदमी और 3 बच्चा मिलकर 10 दिन में करते हैं, आदमी का मान लिया हमें एक्स मान लिए तो 2x + 3y, 10 दिन में कर रहा था तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10, इसको हम कर दिए। दूसरा मेरे पास था 3 आदमी, इसका मतलब 3x और 2 बच्चा, बोला 8 दिन में, एक दिन में कितना बार, 1/8, हम इसको समीकरण मेथड से बनाएंगे। ये थोड़ा लेंदी होगा इसीलिए हम चाहेंगे आप उसी ढंग से बनाए, यूज करते हैं 2 से गुना 3 से गुना, ये 10वें क्लास में हम गुना में 10 सीखे हैं कटाने के लिए, 2 × 4x + 6y और कितना, 2/10 हो गया, मेरा कट के कितना, 1/5, 3 से गुना करें 3 × 3 = 9x, 3 × 2 = 6y, 3/8 सिंपल, 4x में 5x, 1/5 माइनस 3/8, एलसीएम कितना, 40, कितना हो गया, 8 − 5 = 15 −7/40, जो कट रहा है उसको कटाएंगे, 5 को उधर भेजेंगे, x का मान मेरा कितना, 7/200। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा क्या क्या किए, एक बार फिर से आप देख ले, दो आदमी था तो आदमी का x मान लिए थे, बच्चा का y थे, 2x + 3y = 1/10, और 3 आदमी था 3x + 2y = 1/8, समीकरण हम क्या किए, x का मान निकालिए, अब y का मान कैसे निकालें, जब इस समीकरण में रखेंगे 2 × 7/200 + 3y बराबर कितना, 1/10, 3y का मान कितना, 1 कट गया 100 में, 1/10 −7/100, 100 लघुत्तम हो गया, 10 − 7, 3y कितना, 3/100, तो y का मान कैसे, दोनों साफ हो गया, 1/100। यदि हम एक्स वाई का मान निकाल लिए अब तो मेरा आसान है, मेरे पास क्या सवाल था, सवाल था आपको जो दिया गया है वो दो आदमी है, दो आदमी का मतलब 2x और एक बच्चा का मतलब y, यदि 10 बच्चा देता तो 10y होता, 10 आदमी रहता, अब तो फिर 2 × x का मान कितना, 7/200, जो y का मान कितना, 1/100, कितना हो गया, 7 × 4 = 9, जो कट रहा है कटाएंगे, 100 लघुत्तम हो गया, 7 + 1 कितना, 8/100। अब क्या करेंगे, ये तो एक दिन का निकल गया था दोनों मिल के, ये जो आदमी दिया हुआ था, दो आदमी और एक बच्चा, बोला कितना दिन में, दिन निकालने के लिए क्या करता है, इसको पलटा देता है, 100/8 कितना दिन, 12.5 दिन। आया समझ में क्या क्या काम किए, तो हम इसको समीकरण मेथड से बताए, दूसरे तरीका से बताए आप इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। आगे सवाल है हमारा, 12 पुरुष किसी काम को 8 दिन में करते हैं, इसका मतलब पुरुष का कैपेसिटी कितना, 96/96, बोला 8 महिला उसी काम को 16 दिन में करते हैं, इसका महिला का कितना, 16/8 = 28, एक महिला को काम कराते, बोला आपको 9 पुरुष दिए हैं और 12 महिला दिए हैं, इसको बताइए आप कितना टाइम में काम करवाइएगा, तो एकदम आसान है, दोनों का एलसीएम लिए 96 और 128 का, 16 × 16 = 96, 16 × 28 = 2, 3, 4, 16 × 32 हो गया, 32 × 4 = 32 × 3 कितना, 96, 4 × 6 = 24, 9 × 36 = 84 कितना, 384 कटाते हैं, ये 4 बार में, ये 3 बार में, अब बोला क्या, बोला आपको 9 पुरुष दिए हैं तो 9 × 9, बोला 12 महिला दिए हैं, 12 × 9 = 36, 12 × 3 = 36, टोटल काम कितना कराना है, 384, मेरे पास टोटल, इसको हम क्या करेंगे, ऐड किए तो मेरे पास क्या हुआ, ये भी 36, ये भी 36, 36 × 36 = 72, क्यों जोड़े, यहाँ ये दोनों जोड़ था, जो कट रहा है उसको कटाते हैं, कितना बार में, 72 × 36 = 3, 16 क्या हुआ मेरा, 16/3, इसका मतलब 5 × 1/3
3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, तीसरे तरीका से भी बना सकते हैं, जो आपको सबसे सुटेबल लगे उस तरीका से आप बनाएं। क्या क्या काम किए, जो मटेरियल था पुरुष 8, पुरुष 12 दिन में, पुरुष 12 96, ये था 16 और 8, 16 28 एलसीएम ले लिए। और उसके बाद जो जो सवाल था 9 पुरुष दिया था, इसको पुरुष को 9 से गुना, महिला 12 मेरे पास अवेलेबल था, 12 से गुना। टोटल काम कितना कराना था, ये जो निकलता है एलसीएम 384 काम कराना था, ये दोनों मिलके कितना, 72 सॉल्व किए और मेरा आंसर हो गया। 15वां सवाल है 5 पुरुष बराबर 8 महिला, ये करता है 12 दिन में। तो आपको सवाल दिया हुआ है 2 पुरुष और 4 महिला कितना दिन में करेगा। तो उम्मीद है आप इसे जैसे आपको लघुत्तम मेथड से हमने बताया था, 5 पुरुष तो 12 × 5 = 60, 8 महिला 12 दिन में बरोटी 96, इस ढंग से आप लघुत्तम मेथड करके आप बना सकते हैं। तो इस ढंग से आप बनाए, इसको कुछ और आपको दूसरे मेथड से हम बनाते हैं तो उसको हम दिखाते हैं। 5 पुरुष कर रहा था 12 दिन में, इसका मतलब एक पुरुष कितना दिन में, 60 दिन में। तो एक दिन का मेरा काम कितना पुरुष का हुआ होगा, तो 1/60। महिला 8 महिला 12 दिन में, तो एक महिला कितना 96, तो एक महिला का काम कितना होगा 1/96। अब 2 × 1 पुरुष कितना 1/60 जोड़ 4 × 1 महिला कितना 1/96, जो कट रहा उसको कटाएंगे 30 हो गया, 4 × 8 = 16 क्या 1/30 जोड़ 1/24, लघुत्तम मेरा क्या हो गया 30 और 24, 6 से तो 54 = 30 120 हो गया, 4 × 5 = 9/120, जो कट रहा है कटाएंगे 3 से 40 क्या मेरा हो गया 40/3, इसका मतलब 13 × 1/3 दिन आंसर हो गया। अब इस तरीका से आप बना सकते हैं, क्या क्या काम के, 5 पुरुष था 12 दिन में, तो एक पुरुष कितना 12 × 5 = 60, इसका मतलब 1/60 एक दिन का काम। महिला का भी बरोटी 96, 1/96, इसको डायरेक्ट कर दिए, कोई लघुत्तम का मेथड नहीं, डायरेक्ट जो मटेरियल है उसको गुना किए और मेरा आंसर हो गया, उसको केवल पलटा दिए, मेरा दिन निकल गया। आप इस लघुत्तम मेथड से भी इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल 16, 17 और 18 आपके होमवर्क के लिए आप इन्हें बनाए, उम्मीद है आपसे आसान से बनेगा यदि मन से बनाए होंगे। तो 19 देखते हैं क्या है। 19 क्वेश्चन बोला 8 पुरुष और 4 लेडीज, ये 12 दिन में करते हैं, इसी काम को 4 लेडीज प्लस 4 पुरुष करें तो कितने दिन में काम करेंगे। हमें इसके पहले क्या क्या मिल रहा था, इसके पहले मिल रहा था कोई पुरुष है, 2 पुरुष रहे 3 पुरुष रहे, वो कितना लेडीज कर रहा है वो चीज दिया रहता था, एक को हम कन्वर्ट करते थे और मेरा बन जाता था। लेकिन यहाँ वैसा बात नहीं, केवल ही मल्टी एड करके एक का सवाल दिया है और कुछ दिया ही नहीं, यदि यहाँ अथवा रहता फिर मेरा सवाल आराम हुए से क्या आ जाता, बन जाता। लेकिन इसमें केवल आधा ही चीज दे के छोड़ दिया है, इसको हम क्या कर सकते हैं, तय नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि गलती से ही बना के आ जाना है, ठीक है। तो एक सवाल इस सीरीज का और लेते हैं। सवाल है हमारा 12 आदमी और 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में करता है, ऐसा करते हम एक के दिन में काम कराता है तो कैसे काम होगा। तो 12 पुरुष था और 16 चाइल्ड था, वो 5 दिन में कर रहा था, एक दिन में कैसा होगा, 12 × 5 = 60 पुरुष, 16 × 5 = 80 चाइल्ड। एक समीकरण और दिया था हमारा, जबकि 13 आदमी और 24 पुरुष जो है 4 दिन में करता, उसको भी हम बोलेंगे पूरा काम करो, ये भी पूरा काम और वो भी पूरा काम, 4 दिन का, 4 दिन के लिए कितना 52 पुरुष हो गया, 13 × 52 और 24 × 4 कितना 96 को बच्चा। अब इसको जो एक साइड हो रहा है उसको एक साइड करते हैं, इधर हो गया पुरुष तो पुरुष 8 पुरुष हो गया, 80 को उधर बेचते हैं 16 जाए, इससे हमको क्या मिल गया कि एक पुरुष के बराबर अब जहां इस्तेमाल होगा अब 2 चाइल्ड रख सकते हैं। अब सवाल मेरा था कि आपके पास 7 गो पुरुष दिए हैं और 10 गो चाइल्ड दिए हैं तो कितना दिन में आप काम करवाइएगा। तो एकदम आसान है, कुछ भारी नहीं है, एक पुरुष के बदले क्या बच्चा, 2 बच्चा, यहाँ 7 पुरुष कितना बच्चा, 14 का चाइल्ड लिख सकते हैं, 7 × 14 = 14, यहाँ 10 को आइए 14 × 10 कितना चाइल्ड, 24 बच्चा का आपको निकालना है कितना दिन। ऐसा हम करते हैं चाइल्ड का हम कन्वर्ट करते हैं कि चाइल्ड मेरा कितना दिन में हो रहा है तो हम बना सकते हैं। तो क्या क्या करेंगे,
चाइल्ड तो हम निकाल दिए, तो अब चाइल्ड मेरा ठीक कैसे होगा? तो यहाँ भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? यहाँ बोला था 12 पुरुष और 16 चाइल्ड, इसका मतलब एक पुरुष के बदले क्या चाइल्ड लिख सकते हैं? दो चाइल्ड, तो 12 दूनी 24 चाइल्ड प्लस 16 चाइल्ड क्या दिन में? 5 दिन में करता है, इसका मतलब 16 और 24 कितना? 40 चाइल्ड कितना दिन में? 5 दिन में, एक बच्चा 40 गुना 5 कितना? 200 दिन में। हमको कितना चाइल्ड दिया था जोड़ के? 24। जब एक बच्चा 200 दिन में, 24 बच्चा कितना? 200 बटे 24 जो कट रहा है, कटाएंगे 4 छके 24, 4 50 हो गया, ये कितना बार में? 25, 3 8 पूर्णांक 1 बटे 3 दिन। तो उम्मीद है आपको समझ में इस सीरीज के, इस टाइप के पुरुष और महिला के साथ साथ बच्चे से रिलेटेड इतने सारे प्रश्न कराए। उम्मीद है आपको कहीं परेशानी नहीं हुई होगी, परेशानी हुई हो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। कुछ सवाल आपके होमवर्क के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, उम्मीद है आप उन्हें घर में बनाएंगे, मन से ध्यान से वीडियो देखे होंगे, तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आपसे जितने सारे हमने होम स्क्रीन पर होमवर्क आपके लिए दिए हैं वो आप बनाएंगे मन से, और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। साथ ही यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो YouTube के लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे होगी फिर मुलाकात कुछ और नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।